एसआरके म्यूजिक कंपनी ने चित्रा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले एल्बम तोहरा ठुमका पर दोहा कतर हिलेला एल्बम रिलीज किया गया। इस मौके पर एल्बम के डायरेक्टर सचिन यादव और एक्ट्रेस श्रीन ने खबर इंडिया के एडिटर रितेश पाठक से खास बातचीत की। इस दौरान भोजपुरी अभिनेता शुभम तिवारी समेत और अन्य कलाकारों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि तोरा बोली पर जिला जबार हिलेला, तोरा ब्यूटी पर यूपी बिहार हिलेला। कि तोरा बोली पर जिला जबार हिलेला, तोरा ब्यूटी पर यूपी बिहार हिलेला। आ जब मारे लू तू देसी वाला ठुमका तो दोहा कतर हिलेला। बेसिकली मैं क्लासिकल डांसर हूँ। सचिन जी ने मुझे मौका दिया भोजपुरी में आइटम सॉन्ग करने के लिए, तो भोजपुरी में मैं पहली बार आइटम कर रही। तोहरा ठुमका पर दोहा कतर हिलेला, आप ये सोच लीजिए कि इन्होंने भोजपुरी को हिंदुस्तान में तो चल ही रहा है, हिंदुस्तान के बाहर भी इन्होंने बड़े पैमाने पर लेकर जाने की कोशिश की है। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे दोस्त को मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ, सचिन बाबू को। मेरे बड़े भाई मुझे आशीर्वाद देने जो है एसआरके म्यूजिक कंपनी में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मिस्टर शुभम जी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी टीम आज हमारे साथ है। छोटा सा हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आज, एसआरके म्यूजिक ने ही म्यूजिक वही लॉन्च किया था ऑडियो जब हम स्टार्ट किए थे। मुहूर्त में भी आए थे नारियल तोड़े भैया, रोशन भैया का भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। बड़ी खुशी होती है कि जब दोहा के तरह जैसे सात समंदर पार भी हम लोग जाकर के वहाँ हिला करके आते हैं, धमाल करके आते हैं, और यूपी बिहार में उतना क्राउड नहीं होता जितना हम वहाँ के क्राउड को लेके एंजॉय करते हैं अपने आप में, तो वहाँ लगता है कि यार ये भी यूपी बिहार ही है। तो वो जब फीलिंग्स मुझे हुई तो मुझे लगा कि यार इस टाइटल पे हमें काम करना चाहिए। दोहा कतर में न चली रंगदारी, करता राज वहाँ भैया बिहारी, हुई अब धमाल गोरी दोहा कतर में, अगिल बात विजय राज यादव शहर में। इस टाइप का रैप लिखा हमने, सारे गाने ऐसे ही। मैंने सचिन जी के साथ पहली बार काम किया है और इवन भोजपुरी एल्बम मैंने फर्स्ट टाइम की है, और पहले बहुत अजीब लग रहा था कि पता नहीं कैसा एल्बम होगा, जैसा डबल मीनिंग्स का होता है, बट सचिन जी ने बुलाया और मैंने विजय जी के सॉन्ग सुने, सो आई लव दैट सॉन्ग, और मैं इमीडिएटली रेडी हो गई कि ओके मैं करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इसमें दो सॉन्ग्स किए हैं, जो एक तो विजय जी के साथ भी किया हुआ है टाइटल सॉन्ग, और बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, हम है वी आर वाई, महफिल सजल बा, रंग जमल बा, देखा दारू के बोतल खुलल बा, कम सिन जवानी बाटे तोहर गदराइल, विजय राज यादव बाड़े खूब पगलाए। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, खबर इंडिया की खास पेशकश बॉलीवुड की खबरों में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मशहूर डांसर एक्ट्रेस श्रीन जी हमारे साथ मौजूद है। श्रीन जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन से, मैं दिखाना चाहूंगा कि तोहरा ठुमका पर तोहरा कतर हिलेला इस म्यूजिक एल्बम का जो रिलीज हुआ है आज, इसमें आप कहां तक जो है दोहा कतर हिला पाएंगे? देखिए रितेश जी, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, ये तो दर्शक बताएंगे कि मैं कहां तक दोहा कतर हिलाऊंगी। अगर दर्शकों ने पसंद किया, अगर पूरे इंडिया, पूरे दोहा कतर ने पसंद किया, तो समझिए दोहा कतर और इंडिया हिली गया। आइटम डांस की बात की जाए तो आप एक क्लासिकल डांसर भी रही हैं, अभी भी परफॉर्मेंस आपके दुबई तक होते हैं, देश विदेश होते रहते हैं, दोहा कतर हिलेला में कितना आपको मेहनत करना पड़ा, क्योंकि भोजपुरी में मेरे ख्याल से आपका पहला एल्बम है। नहीं, ज्यादा मेहनत तो मुझे नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं डांस परफॉर्मर ही हूँ, काफी स्टेज शोज काफी सालों से कर रही हूँ मैं, तो मुझे मतलब ऐसा नहीं कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है डांस का, तो काफी आसान लगा मुझे करते हुए। हाँ, मैं क्लासिकल डांसर हूँ तो वो हिसाब से थोड़ा एक आइटम सॉन्ग करना तो थोड़ा मुझे उसमें झिझक सी लगी, पर आप ये गाना देखेंगे, दर्शक भी देखेंगे, तो जरा भी वल्गैरिटी नहीं है इस गाने में और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पिक्चराइज किया गया है, और ये तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, देखने के बाद ही
पता चलेगा। क्लासिकल साथ आइटम डांस, इसके आप पहचान सोशल वर्कर की है। और यहाँ भी कहा कि जो है आप काफी जो है एनिमल्स को जो है ट्रीट देती हैं, आवारा कुत्तों को भी, क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रे डॉग्स को ट्रीट करती हूँ मैं, और हैंडीकैप पिजन्स को ट्रीट करती हूँ। बाकायदा मैंने एक घर के अंदर ही छोटा सा शेल्टर रूम बना के रखा है, जिसमें 40-50 हैंडीकैप पिजन्स मैंने अपने घर में रखा है, जिनके पंख टूटे हुए हैं, चोज नहीं है, तो उनको मैं खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ। दिन में 3 बार मैं उनको हाथों से खिलाती हूँ, और मेरा कैरियर उनके वजह से काफी पीछे है, क्योंकि इतना ज्यादा मैं उनकी तरफ ध्यान देती हूँ कि मैं अपनी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो मतलब मेरे बच्चों की तरह है वो। क्लासिकल की बात की जाए तो क्लासिकल और आइटम दोनों, मतलब आप देश विदेश तक परफॉर्मेंस करती हैं, अमूमन आए दिन आपके लाइव शो होते रहते हैं। तो आगामी आप जो है आइटम डांस क्लासिकल के अलावा और सरीन जी क्या कुछ अलग करने वाली है नृत्य क्षेत्र में? अलग तो देखिए ये दो है, और इसके अलावा तो कुछ प्लानिंग है मेरा, पर करना है मुझे, पर अभी मैं नहीं बताऊंगी। आखिरी सवाल अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? और दोहा कतर तोरा ठुमका पर दोहा कतर हिलेला की पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे जी? मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर इस एल्बम को देखिए, और ये सचिन जी को मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया, इतने अच्छे दो सॉन्ग्स दिए, और आप देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से क्या है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अभी तक आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा होगा कि यूपी बिहार हिलता था, इस पे गाना भी बनाया गया था, लेकिन अब की बार तोरा ठुमका दोहरा कतर हिलेला देखने वाली बातें होगी कि भोजपुरी देश के साथ साथ विदेश में कितना जो है ठुमके जो है हिला पाएगी। कैमरा पर्सन निक्की पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।